मुख्तारी के परिवार के दो प्लॉट कुर्क होंगे। मुख्तार की मां और बहन के नाम से संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। मां राबिया बेगम के नाम से एक प्लॉट है जिसकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए के करीब है। दूसरा प्लॉट मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा अंसारी के नाम से है जो 231 वर्ग मीटर में है और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश पर आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। तो मुख्तार की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आज लखनऊ के डालीबाग में मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी का जो मकान है उनकी पत्नी के नाम, उसको कुर्क किया गया है। इसके साथ ही उनकी मां के नाम जो प्लॉट है वो भी कुर्क किया गया है। गाजीपुर जनपद से सीओ के नेतृत्व में एक टीम पहुंची है जो डालीबाग में फरहत अंसारी के नाम मकान है उसको कुर्क किया गया है। फरहत अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी जो कि सांसद भी हैं उनकी पत्नी हैं। आज गाजीपुर पुलिस ने एक नोटिस चस्पा की है जिसमें ये बताया गया है गैंगस्टर एक्ट के मामले में ये संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसके अलावा इसी कोठी के ठीक सामने एक प्लॉट है जो मुख्तार अंसारी के बहनोई का बताया जा रहा है, उसे भी पुलिस टीम कुर्क करने पहुंची है और जो कुर्की की कार्रवाई होती है उसे पुलिस कर रही है। यहां पर ऐलान किया जा रहा है कि ये प्लॉट को कुर्क कर दिया गया है। गाजीपुर जनपद की ये पुलिस टीम है जो आज डालीबाग पहुंची है और जो प्लॉट है मुख्तार अंसारी के बहनोई का उसे कुर्क कर रही है। बड़ी संख्या में फोर्स है। जिस तरह से मुख्तार अंसारी पिछले लंबे समय से जेल में बंद हैं उन पर कई मुकदमा चल रहा है, लगातार उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक कार्रवाई हो रही है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के आदेश से दो संपत्ति है, एक राबिया खातून जो मुख्तार अंसारी की माँ है, इनकी एक प्लॉट है इसकी कीमत 4.5 करोड़ है तथा दूसरी संपत्ति है गैंगस्टर एजाज है उनकी पत्नी फहमीदा के नाम से है उसकी कीमत 3.5 करोड़ है। ये दोनों संपत्तियां कुर्क की जा रही है। और भी क्या कोई संपत्ति है जिसे कुर्क किया जाएगा यहाँ? अभी इसकी जांच चल रही है, जो भी मिलेंगी सबकी कार्रवाई होगी जब्तीकरण सब। आज जो जो संपत्तियां कुर्क की गई हैं उनका मुख्तार अंसारी से क्या रिलेशन? ये संपत्ति मुख्तार अंसारी की मां के नाम से है, बेनामी संपत्ति है ये, के द्वारा जो पैसा लगाया गया है उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं मिली है, बेनामी संपत्ति है, दोनों संपत्ति है बेनामी है। ये सीओ थे जिनके नेतृत्व में आज यहां पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इनका कहना है कि जो मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति है उस पर कार्रवाई की गई है, आगे भी जो संपत्तियां हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ कफील उर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं खबर।